अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। तो कैसे आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। और गाइस अभी जो है यार मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ। आज जो है हाफ डे था यार, जुम्मा था, सुबह छुट्टी हो जाती है 12:30 बजे और नमाज वगैरह भी मैंने पढ़ ली थी यार जुम्मे की, जुम्मा था। और यार आप लोगों को ये बात तो पता ही है, जैसे ही मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना, ये आ जाते पता नहीं कहाँ से मेरे व्लॉग देखने के लिए। ये अभी यहाँ से भागता हुआ आया है डायरेक्ट और यहाँ पे आकर मेरा व्लॉग देखने स्टार्ट हो गया कि क्या बना रहे। शाज़ेन हाय करो, हाय हाय हाय। तो वैसे देखो पता नहीं कैसे रहे, गिर गया बच्चा। उठो आ जाओ हाथ दो, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यार मिट्टू के पास, चलो 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 चलो। तो गाइस ये आ चुका है यार यहाँ पे मिट्टू। बाकी यार पिछले जुम्मे वाले दिन हमने जो है यार इसके पर काट दिए थे, अब ये देखो सुकून में है मिट्टू मिट्टू मिट्टू। यार ये बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है। तो गाइस बिरयानी भी आ चुकी है आज, देख आपको पता है कि बिरयानी की देगा थे हर जुम्मे को हमारे पास। तो गाइस मैंने निकाल लिया यार अपने लिए बिरयानी, तो अभी जाते हैं और खाते हैं फटाफट से, क्योंकि यार हर जुम्मे को हमारे घर पे आती बिरयानी की देख, ये तो आप लोगों को बताइए। वैसे यार जुम्मे का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है, खास करके हम मुसलमानों के लिए। तो यार ये एक ईद की तरह का दिन होता है, आप लोगों को तो ये पता ही है। जुम्मे की जो नमाज़ होती है वो जो है अदा करते हैं ईद की नमाज की तरह ही बिल्कुल, तो खुतबा होता है हर चीज़, मतलब यार ईद की तरह होता है हमारे हमारे लिए तो जुम्मे का दिन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है। तो वैसे अभी ये बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, वरना फिर ये भी आए हुए बोले मुझे दे दो अगर तुम नहीं खा रहे तो, ये खा ले इससे अच्छा जल्दी से खा लेते हैं हम बिरयानी। तो भाई आज का जो मेरा ब्लॉग था यार, मैंने आप लोगों को बस यही बताया कि जुम्मे का आज दिन था और जुम्मे का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है, खास करके हम मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। ईद की तरह का यार दिन होता है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन भी गुजरता है और खुतबा वगैरह होता है ईद की तरह ही, नमाज वगैरह भी होती है। तो ये एक तरीके की हमारी जो है ईद आती है हर जुमे को, तो जुमे की नमाज जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। जुमे का दिन भी बहुत अच्छा होता है, तो सदका वगैरह भी करना चाहिए अपना। तो बस अल्लाफिज इस ब्लॉग कर लेता हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल, और यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ओके सब्सक्राइब जरूर कर दो। दी एंड, खत्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Click the show links and enjoy watching the amazing videos. Subscribe at K2Neo Vlogs for more interesting videos and press the bell icon for more updates.